किसान हमारे अन्नदाता है, हमारे मैं कहूंगी कि भगवान है हमारे। लेकिन आज जो मोदी सरकार उनके साथ जो ज्यादती कर रही है, ये तो बहुत अन्यायपूर्ण है। वो हमारे देश के हैं, हम उनके आवाज को हम अपने आवाज से जोड़ना चाहिए हमको, क्योंकि किसान जो है उनकी बदौलत हम है आज। आप जब विदेश में जाते हो, मैं समझती हूँ कि करोड़ों रुपया खर्चा होता है, और मीडिया के लिए सारे जितने सारे ताम झाम लगा दिए जाते हैं। अब हमारे किसान भाई जो हमारे अन्नदाता है उनके ऊपर भी खर्च करिए ना, जो महिला पहलवान जो बहनें थी उनके ऊपर भी कैसे अत्याचार किए गए, उनको मारा गया, उनको घसीटा गया, उनके ऐसे ऐसे अंगों को छुआ गया। तो मुझे कहते शर्म आती है कि ऐसी सरकार, मैं क्या कहना कहूंगी, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी सरकार जो निकम्मी सरकार, मैं कहूंगी उनको निकम्मी सरकार है, जो ना महिलाओं की बात सुनती है, ना किसानों की बात सुनती है, किसी की बात नहीं सुनी जाती, सिर्फ हिटलर शाही के तहत ये मोदी सरकार। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। एक बार फिर 3 साल बाद किसान आंदोलन ने सियासत गर्म कर दिया। आपने देखा कि लगातार शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, किसानों को कड़ी सुरक्षा से रोका जा रहा है, पर किसानों की मांग वही 3 साल पुरानी की MSP हमारी फिक्स कर दी जाए, हम वापस घर लौट जाएंगे। पर सरकार जो है उसके कानों पर जू रेंगने को तैयार नहीं है। आज भी जो नतीजा बातचीत से निकला है वो कोई भी नतीजा या हल किसानों के पक्ष में नहीं निकला है। पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ कांग्रेसी नेता महिला है, सीधा इनसे जुड़ेंगे। ये क्या सोच रहे हैं, किसानों की तस्वीरों को लगातार देख रही होंगी आप, शंभू बॉर्डर पे लगातार आपने देखा कि किसानों के साथ जिस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, रबर बुलेट दागी जा रही है, कटीले तार लगाए जा रहे हैं, नाकेबंदी की जा रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे आंदोलन? सबसे पहले मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, आज मुझे ये शुभ अवसर मिला कि यहाँ पर मैं आई और मुझे पता चला कि ये शंभू बॉर्डर पर हमारे किसान भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है। देखिए, किसान हमारे अन्नदाता है, हमारे मैं कहूंगी कि भगवान है हमारे। लेकिन आज जो मोदी सरकार उनके साथ जो ज्यादती कर रही है, ये तो बहुत अन्यायपूर्ण है। ये हमारे भारत देश में सबको अपना अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, अपना हक मांगने का अधिकार है। अगर हक मांगने के तरीके को हम देखें तो मोदी सरकार उनके साथ इतना न्यायपूर्ण बर्ताव कर रही है तो बहुत ही बुरी बात है। उनको अपना हक मांगना चाहिए, उनको बातचीत के द्वारा उस हल को सुलझाना चाहिए, हालांकि ना कि उनको गोली दागने चाहिए, ना आंसू गैस के गोले छोड़ने चाहिए, ना कील ठोकने चाहिए। वो हमारे देश के हैं, हम उनके आवाज को हम अपने आवाज से जोड़ना चाहिए हमको, क्योंकि किसान जो है उनकी बदौलत हम है आज। यहाँ पर मैं भी खड़ी हूँ, आप भी खड़ी हूँ, जो हमारे अन्नदाता उनके बदौलत हम यहाँ पर है। अगर मोदी सरकार उनकी बात नहीं सुनती तो आप ये सोच के देखे कि इतना अहंकारी सरकार मैंने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि बहुत सारे सरकारें आई किसानों के साथ मिलकर चलते थे, किसानों के बातों को सुना जाता था, लेकिन आज उनको कील ठोककर उनको भगाया जाता है, उनके बात को सुना नहीं जाता, उनके दर्द को उनको कैसे बयां करें। मैं यही आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि तो क्या लग रहा है, लगातार वो MSP की कह रहे कि इसे फिक्स कर दीजिए। आपकी जब आपकी एक सरकार थी तब भी उनकी यही मांग थी, 2004 में जब कमेटी बनी तब भी कोई MSP पर हल नहीं निकल पाया, और अब भाजपा की सरकार है, कोई हल नहीं निकल पा रहा। आखिरकार देश का अन्नदाता कब तक परेशान रहे? देखिये, आप जो बोल रही है ना कि हमारा जब सरकार था तो उस टाइम भी बातचीत हुई थी, ठीक है, लेकिन आज मोदी सरकार ये कहकर बात नहीं टाल सकती ना कि तुम्हारी सरकार ने नहीं पर किया। दोनों कसूरवार मान रहे हैं ना किसान, कि दोनों पार्टियां कसूरवार है, MSP पे किसी ने भी नहीं। मैं ये कहती हूँ, जब उस वक्त नहीं हुआ तो आपको कर देना चाहिए था ना, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तो आपके पास पूरा मौका है, आपके पास पूरा बटालियन आपके साथ है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? किसानों को आवाज को आप भी तो सुलझा सकते हैं ना, उनके सारे जितने सवाल है उनको बातचीत के जरिए सुलझा सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि कांग्रेस ने नहीं किया तो आप नहीं कर सकते, आप तो कर सकते हैं ना, तो आप भी करिए। पर कह रहे हैं कि अगर MSP हमने लागू करी तो 10 लाख करोड़ महीना खर्चा बढ़ जाएगा, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कहीं ना कहीं किसानों को मिल जाएगा, फिर देश कैसे प्रगति करेगा, अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा जाएगी। देखिए, आप विदेश जाते हो, करोड़ों करोड़ों आपका मीडिया में खर्चा होता है, क्या हमारे किसान भाइयों पे नहीं खर्चा कर सकते आप? आप जब विदेश में जाते हो, मैं समझती हूँ कि करोड़ों रुपया खर्चा होता है, और मीडिया के लिए सारे जितने सारे ताम झाम लगा दिए जाते हैं। अब हमारे किसान भाई जो हमारे अन्नदाता है उनके ऊपर भी खर्च करिए ना, खर्च करिए, उनकी बात को सुनिए। पर क्या लग रहा है, जिस तरीके से कटीले तारे लगाए जा रहे किसानों को रोकने के लिए, ये भी कहा जा रहा है कि ये किसान जो है वो फर्जी हैं, और इस बार राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूनी भी इससे नदारद हैं, कैसे देखते? सिर्फ किसान ही नहीं मैडम, आपने देखा ना महिलाओं पर, हमारी जो महिला पहलवान जो बहनें थी उनके ऊपर भी कैसे अत्याचार किए गए, उनको मारा गया, उनको घसीटा गया, उनके ऐसे ऐसे अंगों को छुआ गया। तो मुझे कहते शर्म आती है कि ऐसी सरकार
मैं क्या कहना कहूंगी, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी सरकार जो निकम्मी सरकार, मैं कहूंगी उनको निकम्मी सरकार है, जो ना महिलाओं की बात सुनती है, ना किसानों की बात सुनती है, किसी की बात नहीं सुनी जाती, सिर्फ हिटलर शाही के तहत ये मोदी सरकार चलती है। महिलाओं के नाम पे तो मोदी जी भावुक उठ जाते हैं, रो पड़ते हैं, कैसे? मैं तो कहूंगी तो कलाकार होना चाहिए मोदी जी को, बहुत कला का प्रदर्शन बहुत अच्छा करते हैं, जहाँ जाते वो स्टेट का बन जाते हैं, जहाँ जाते महिलाओं के साथ जाते हैं तो बोलते आंसू बहाते हैं, जहाँ कोई स्टेट में जाते हैं तो बोलते यहाँ से मेरा पुराना नाता है। नागालैंड में इतना सारा वारदात, वो आपने देखा महिलाओं के अंगों को काटा गया, अब आज तक मतलब ये मणिपुर शांत नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी का कोई आवाज आया? उन्होंने एक शब्द एक वाक्य कहा मणिपुर के विषय में? नहीं। क्या हमारे अंडमान में आए थे, वहां पर मणिपुर माउंट मणिपुर बोल के वहां पर उन्होंने नाम दिया था एक टापू का, लेकिन उसके बाद कोई आवाज नहीं आया, मतलब खामोश हो गए। जहां कुछ वाकया होता है तो मोदी जी खामोश। तो जनता से तो जुड़ रहे हैं, पर राहुल गांधी जनता से कब ऐसी कनेक्टिविटी बनाएंगे? और राहुल गांधी जब कहते हैं कि भाई ये घटना होने वाली, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का कहा, पेटीएम के लिए पेटू मोदी कहा, तो आप लोग इतना मुद्दा उनका सीरियस क्यों नहीं लेते, संजीदा क्यों नहीं लेते राहुल? मैडम सब संजीदा लेते हैं, लेकिन मीडिया को ऐसा घुमा दिया जाता है, राहुल जी के छवि को खराब बताया जाता है। उनको पहले आप लोगों ने देखा कि पप्पू कहकर बुलाया गया, उनका छवि को पूरा बदनाम करने का, ये मोदी सरकार ने पूरा उनको बदनाम करने का कोशिश किया। और जब राहुल जी कोई भी बात कहते हैं तो उनको मीडिया में दिखाया भी नहीं जाता, खास करके मैंने बहुत सारे मीडिया में देखा राहुल जी को बहुत नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाया जाता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अब ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा छोड़कर अब किसान आंदोलन में शामिल होंगे, तो ये भी आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष, बहती गंगा में हाथ धोने जा रहे राहुल गांधी। देखिए मैम, पॉलिटिक्स है तो किसानों का आवाज उठाना कोई गुनाह है क्या? तो राहुल जी किसानों की तरफ भी बात करते हैं, जब मणिपुर का मामला आया तो राहुल जी ने तो आवाज उठाया था, राहुल जी गए थे वहां पे, कई तरह की बातें हुई मीडिया पे, बहुत गलत तरीके से बताया गया, तो राहुल जी जहाँ भी कुछ होता है राहुल जी आवाज उठाते हैं, और ये लोग राहुल जी का छवि को एकदम बदनाम करने का कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को किस तरीके से देख रही है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को सत्ता पक्ष कह रहा है कि अब इसकी सांसें बची है, कोई अस्तित्व नहीं बचा, और भाजपा कह रही है कि इस बार हमारे 400 पार होंगे। मैडम कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, मीडिया उनका हाथ में, पूरा मीडिया तंत्र है, जितना भी है प्रिंट मीडिया जो भी हो तो सब उनके साथ है, तो मोदी जी को बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है और कांग्रेस पार्टी को एकदम नीचे गिरा कर दिखाया जाता है। तो हमारी ये कोशिश है, कांग्रेस के जन जन का ये कोशिश है कि हम ये सब बात को झुठलाए और काम करें, हम एक अच्छे कार्यकर्ता की तरह कांग्रेस का परचम को लहराने के लिए आगे आए। परिवारवाद खत्म होगा कांग्रेस से या नहीं? परिवार तमाम लगा रहे मैडम, परिवारवाद वहाँ नहीं है क्या? अमित शाह का बेटा जय शाह कौन है? पंकजा मुंडे कौन है? तो परिवारवाद वहां भी है ना, सिर्फ कांग्रेस में नहीं है ना, परिवारवाद तो वहां भी है। तो मोदी जी सिर्फ यहाँ का परिवारवाद के बारे में क्यों बोलते हैं? सुषमा स्वराज की बेटी भी है वहां पे, है कि नहीं है? तो परिवार हर जगह पे है। आने वाले समय में किसान आंदोलन को किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के पूरा समर्थन करने के लिए तैयार है किसानों को? मैडम ये मुद्दा तो देखिए, मैं इतना सेंटर का ऊपर में है कि बड़े नेता उसमें बात करेंगे, मैं तो बस छोटी मोटी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि राहुल जी किसानों का साथ देंगे और एक अच्छा नतीजा निकल के आएगा। हमारे साथ कांग्रेस की महिला नेता थी जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत करी, तमाम किसान के मुद्दे पर बातचीत करी, पर देखिए सवाल यही है, क्या किसानों को MSP मिल पाएगी, उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। 24 को चुनाव के लेकर क्या किसान राजनीति कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल उन पर खड़ा हो रहा है, आरोप लग रहा है, पर देखना यही होगा कि चडूनी जी और राकेश टिकैत क्या इस आंदोलन से दूर ही रहेंगे या फिर आगे जाकर इसमें शामिल होंगे। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे NCR समाचार।